Hello everyone, I'm Babar Sabzadav, English language trainer. Welcome guys in my video. आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताने वाला हूँ कि जिनको यूज करते वक्त हम में से काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको गलत तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनका मीनिंग एक जैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल, लिटिल, ऑल, एवरी, टॉल, हाई। अब इन शब्दों का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो एक जैसा ही होता है, लेकिन गाइस उनके यूजेस डिफरेंट होते हैं। तो काफी समय, काफी वक्त हम उनमें गलतियां करते हैं। तो मैं आज आपको उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं आज के बाद हम उन शब्दों को यूज करते हो कभी गलती नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं उन शब्दों के यूजेस को। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे स्मॉल और लिटिल की। अब अगर हम उनके मीनिंग की बात करते तो बोथ वर्ड्स आर क्वाइट सिमिलर इन देयर मीनिंग, लेकिन हम उनको डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं। तो वो सिचुएशन कौन सी है, उनको किस तरीके से यूज करना है वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले स्मॉल कब यूज किया जाता है। ओके, स्मॉल इज यूज्ड जस्ट टू टॉक अबाउट साइज। जब हमें बस साइज के बारे में बात करनी होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं स्मॉल। In other hand, when we think about the little, it's used as an adjective to talk about size and emotion. Guys, this is the basic difference in this. Okay, जब हमें only size के बारे में बात करनी है तो हम use करेंगे small, और जब size और emotion दोनों वहां पर होते हैं तो हम little use करते हैं। हम उनके examples देखेंगे। You are too small to be a policeman. Okay, पुलिसमैन बनने के लिए तुम छोटे हो। इट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ दैट मैन ओनली साइज। बट इन दिस एग्जांपल ही इज फनी लिटिल मैन, वो फनी छोटा आदमी है। ओके, इट मीन्स हियर इज द फीलिंग, हियर इज द इमोशन। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। इफ वी कॉल समथिंग लिटिल, जब हम किसी को लिटिल बोल रहे, लिटिल ये वर्ड हमें यूज करना है, तो वी यूजुअली हैव सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग अबाउट इट। उसके बारे में हमारे अंदर कुछ फीलिंग होती है, और जब वो इसी फीलिंग के साथ हम साइज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो लिटिल का यूज वहां पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी लाइक इट, जैसे हम उसको लाइक करते हैं, और वी डिसलाइक इट, और इट मेक्स अस लाफ, और वी थिंक इट इज स्वीट। जब हमें ऐसा लगता है, जब ये सारे इमोशंस उसमें आएंगे तो हम लिटिल का यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बॉट प्रिटी लिटिल हाउस। अब इस एग्जाम्पल में हम बस उस हाउस के बारे में, उस हाउस के साइज के बारे में बात नहीं कर रहे, वो हाउस कैसा है, वो इमोशन भी यहाँ पर आ रहा है, वो है यहाँ पर प्रिटी, प्रिटी लिटिल हाउस, वो एक खूबसूरत छोटा घर है। So guys, this is the basic difference between small and little. तो हमें ये दो बातें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। Small only express size, little express size and emotion of that. Okay, I hope you understand it better. Now we are going to discuss about another two similar word meaning. अब हम बात करेंगे all and every. इन दो शब्दों का use कैसे करना है? This both the words are having similar meaning. Okay, now come. All and every have similar meaning. दोनों का भी मतलब एक जैसा ही है, but लेकिन they are used in different structure. दोनों को भी अलग अलग structure में use किया जाता है। वो क्या है हम अब देखेंगे। All plus plural. अब all के बाद में plural noun आता है हमेशा है। Let's see. All children need love. सभी बच्चों को प्यार की जरूरत है। अब यहां पर हमने all use किया, उसके बाद में जो noun आया है children, this word itself plural noun. Okay. दूसरा example हम इसमें देखेंगे। All cities are noisy. Okay. यहां पर all के बाद में जो word आया है cities, this is the plural noun. Okay. अब हम देखते हैं every कब यूज करना है। every is used before the singular noun. दोनों शब्द फ्रेंड्स सेम मीनिंग वाले हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। Now see,
एवरी चाइल्ड नीड लव, ओके, हर बच्चे को प्यार की जरूरत है। अब यहां पर यह वर्ड है चाइल्ड, दिस इज द सिंगुलर नाउन, ओके। एवरी सिटी इज नॉइजी, ओके, यहां पर सिटी ये सिंगुलर नाउन है। गाइज, अगर हम इन चार सेंटेंस को कंपेयर करते एक दूसरे के साथ, देखिए ऑल चिल्ड्रन नीड लव, इसी के साथ अगर दूसरा सेंटेंस कंपेयर करते एवरी चाइल्ड नीड लव, गाइज इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होता है, बट ओनली स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज देयर, ओके। सेम, ऑल सिटीज आर नॉइजी, एवरी सिटी इज नॉइजी, ये दो सेंटेंसेस का भी मतलब एक जैसा ही होता है, देयर इज नो सिमेटिक डिफरेंस इन देयर, ओके, ओनली द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज देयर, ओके। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे ए ऑल एंड एवरी के बारे में, वो क्या है। वी यूज ऑल बट नॉट एवरी बिफोर डिटरमिनर, फॉर एग्जाम्पल द, माय, दिस, ओके। जब अब सेंटेंस में डिटरमिनर आ रहा है उसके पहले हम ऑल यूज कर सकते हैं बट एवरी को यूज नहीं कर सकते, ओके। अब अगर क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि डिटरमिनर क्या होता है, ओके, डिटरमिनर्स कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज की स्टार्टिंग डिटरमिनर से होती है, फॉर एग्जाम्पल द, माय, दिस, ओके, बट ये एडजेक्टिव नहीं होते। व्हेन दिस वर्ड प्लेज द रोल ऑफ डिटरमिनर दे आर नॉट एडजेक्टिव, ओके, दिस थिंग वी नीड टू कीप इन योर माइंड, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, देयर इज अ टू मच डिफरेंस इन डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव, ओके। द सेम वर्ड समटाइम यूज एज एडजेक्टिव एंड समटाइम यूज एज अ डिटरमिनर, बट हमें उनका डिफरेंस समझना जरूरी होता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ इट, ऑल कैसे यूज करेंगे, ऑल प्लस डिटरमिनर प्लस प्लूरल नाउन, जब हम ऑल यूज करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव कॉल्ड टू ऑल माय फ्रेंड्स, ओके, ऑल के बाद में डिटरमिनर हमने यहां पर लिया है माय, बट जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ एवरी का जो स्ट्रक्चर है, एवरी प्लस सिंगुलर, आई हैव कॉल्ड टू एवरी फ्रेंड, कॉल टू एवरी फ्रेंड, ओके, यहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि आई हैव टू कॉल एवरी माय फ्रेंड, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस, बिकॉज एवरी के बाद में हम डिटरमिनर्स को यूज नहीं कर सकते, ओके गाइस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस टू वर्ड, वी नीड टू कीप दिस इन माइंड, ओके। नाउ लेट्स गो फर्दर द अनदर पॉइंट, ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऑल एंड एवरी के बारे में, वो है We can use all but not every with uncountable nouns. Okay guys, अब ये दो तो similar words है, लेकिन उसके जो terms and conditions है कि कहाँ use करना है, कहाँ use नहीं करना है, जो rules है उनके, वो ये है कि all को हम uncountable noun के साथ use कर सकते हैं, every को नहीं use कर सकते। अब for example, I like all music. ओके, हम ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज दिस वर्ड म्यूजिक इज अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन नॉट से आई लाइक एवरी म्यूजिक, दिस इज द रॉन्ग वन, ओके। सो ये हमें याद रखना है कि ऑल के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हैं, ना कि एवरी को, ओके गाइस। अब जो आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है वो है वी कैन यूज ऑल विथ सम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ओके, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ऑल को यूज कर सकते हैं, जैसे कि एवरी पार्ट ऑफ द होल ऑफ, ओके। अब दो एग्जांपल के साथ हम इसको कंपेयर करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, शी वॉज हियर ऑल डे, और दूसरा सेंटेंस जो है शी वॉज हियर एवरी डे। अब इन दोनों सेंटेंस का मतलब अलग अलग निकलता है, ओके, इन दो शब्दों का मतलब तो एक जैसा ही है, लेकिन उनको किस नाउन के साथ यूज किया है वो भी उसका मीनिंग डिफाइन करता है, ओके। जैसे कि ये सेंटेंस हमने लिया, शी वॉज हियर ऑल डे, अब इसका मतलब ये होता है कि वो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक यहां थी, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है शी वॉज हियर एवरी डे, इसका मतलब वो होता है कि वो हर रोज यहां रहती है मंडे से लेकर संडे तक, ओके। तो इस तरीके से
ऑल और एवरी के यूज से सेंटेंस का मतलब बदलता है. ओके गाइज, सो इन दिस वे वी हैव टू यूज ऑल एंड एवरी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड सम इम्पॉर्टेंट रूल्स अबाउट दैट. ओके गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाउ टू यूज ऑल एंड एवरी, स्मॉल एंड लिटल इन अप्रोप्रिएट मैनर. ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक कमेंट. एंड इसी तरीके से मैंने और एक वीडियो बनाया है 5 idioms पे, हाउ टू यूज देम इन आर डे टू डे कम्युनिकेशन. इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच.